वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल करके वफा की अगली एपिसोड के हवाले से बताने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि इधर आखिरकार अयाज की बहन वो अपने मकासिद में कामयाब हो जाती है, यहाँ तक कि अब सप्तैन वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है मरियम से, जिसके बाद इधर मरियम वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपना घर नहीं खराब करना चाहती और अपने रिश्ते को भी बचाना चाहती है। इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश कर रही होती है और सप्तैन से यही कहती है कि आपको गलत फहमी हो चुकी है। लेकिन इधर सप्तैन वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सिर्फ अपनी ही बहनों पर भरोसा होता है। तो खैर, इधर आगे आप ये भी देखेंगे कि सजीला वो भी बहुत ही ज्यादा नाराज होती है मरियम से और अब उसका भी यही मकसद होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से मरियम को अपने घर से निकलवा सके और फिर ऐसा ही होगा। वक्त गुजरने के साथ इस कदर सप्तैन नाराज हो जाएगा कि वो मरियम को अपने घर से निकाल देगा, जिसके बाद आगे आप ये भी देखेंगे कि मरियम के घर वाले वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर मरियम का वालिद वो यही कह रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैं सप्तैन से खुद बात करूंगा। तो खैर, फिर मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि अब सप्तैन की बड़ी बहन वो यही सोच रही होती है कि अयाज की बहन से शादी वो करवा दे सप्तैन की, लेकिन इधर सप्तैन को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो इस रिश्ते से इनकार कर देता है। और फिर वक्त गुजरने के साथ उसे सजीला के शौहर की भी हकीकत के बारे में पता चल जाता है कि वो किस कदर लालची है और उसका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ दौलत को हासिल करना है, यहाँ तक कि इधर अनम वो भी फिर अपने भाई से बात करती है। तो बिल्कुल इसी तरह से इधर आगे आप ये भी देखेंगे कि समीर उसका रिश्ता तय हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि मरियम वो इन तमाम तर मामलात को किस तरह से हल करेगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।